हेलो दोस्तों, अभी हरियाणा के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें जो प्रिपरेशन रहेगी, आप वैसे तो टॉपिक वाइज तो कर ही रहे होंगे, बट ये जो वीडियो रहेगी ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रहेगी, क्विज की। इसमें हम कितने क्वेश्चन करेंगे जी? इसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे, और वो 10 क्वेश्चन लगभग जो है, हर एक क्वेश्चन जो है वो अपना एक टॉपिक जो है पूरा कवर करेंगे हम उसमें, ठीक है। जैसे कि अगर मैं पहला क्वेश्चन बात करूँगा तो रिवर के ऊपर है, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से हरियाणा की रिवर जो है वो पढ़ाई जाएंगी। ऐसे ही हमारी और भी वीडियो जो है वो चैनल पे हैं, आप वहाँ पे जा करके उसमें देखोगे तो आप देखोगे कि 10 क्वेश्चन के साथ साथ हम कितना बड़ा एरिया जो है वो कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज़ नॉट अ मेजर रिवर ऑफ हरियाणा। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की एक बड़ी नदी नहीं है? यमुना बिल्कुल है जी, मारकंडा भी है, घग्गर भी है, कौन सी नहीं है जी? सतलुज नहीं है। तो अपना आंसर क्या रहेगा जी? सतलुज आएगा। सतलुज इज़ द राइट आंसर। तो जो है हरियाणा की बड़ी नदी कौन सी नहीं है? सतलुज नहीं है। अगर मैं नदियों की बात कर लेता हूँ तो यमुना नदी कई बार पूछ लेता है कि कहाँ से निकली है। ये उत्तराखंड में ग्लेशियर है जी, यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है जी? यमुनोत्री ग्लेशियर, वहाँ से निकली है। उसके बाद कौन सी है? मारकंडा। मारकंडा नदी दी है जो है आपको, मारकंडा नदी शिवालिक की पहाड़ियों से निकली है। कहाँ से निकली है जी? शिवालिक की पहाड़ियों से, शिवालिक की पहाड़ियों से। और लास्ट में एक रिवर और दी है जी, घग्गर दी है, घग्गर, ठीक है। तो घग्गर पूछ लेता है कई बार कि घग्गर का जो है वो उद्गम स्थान कौन सा है? तो उद्गम स्थान कौन सा रहेगा जी? हिमाचल प्रदेश का रहता है डागशई। हिमाचल प्रदेश का क्या रहता है जी? डागशई जो है वो रहता है। कई बार पूछ लेता है कि सरस्वती नदी भी है एक, सरस्वती नदी, सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है जी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से, सिरमौर जिले से जो है ये निकलती है। और कई बार पूछ लेता है एक दक्षिण हरियाणा की बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है जी, साहिबी नदी, साहिबी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है जी मेवात की पहाड़ियों से। इसको क्या बोल सकते हैं हम? बहरोड की पहाड़ियाँ भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिवर थी जिसके बारे में आपको पढ़ना ज़रूरी है, ओके। उसके बाद आंसर क्या आया था जी आपका? आंसर आया था जी आपका सतलुज, ठीक है। अगर आप सतलुज देखोगे तो ये कहाँ पे है? ये है जी पंजाब में, ठीक है। और सतलुज के साथ साथ पांच नदियाँ रहती हैं जी, ठीक है। पांच नदियाँ जो है आपने पढ़ी होंगी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौन कौन सी है जी वो? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज। कौन कौन सी हैं जी वो? झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। ये पांच नदियां रहती हैं जी। ये किसके अंडर में आती हैं? ये सिंधु नदी जो है, जो सिंधु नदी है उसका ही अपवाह तंत्र जो है ये पांच नदियां हैं, ठीक है। सिंधु नदी के साथ साथ हम किन नदियों को पढ़ते हैं? ये पांच नदियों को हम पढ़ते हैं, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ठीक है। इनके बारे में अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ। नदियों के ऊपर बड़े अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेता है कई बार, ठीक है। सबसे पहले मैं किस नदी की बात करता हूँ जी? सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंडस नदी की। इसको हम क्या बोलते हैं जी? सिंधु नदी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है वो कैलाश पर्वत है, कैलाश रेंज जिसको हम बोलते हैं, कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला के ग्लेशियर से जो है ये नदी निकली है, ओके। यहाँ के ग्लेशियर से ये नदी निकली है। इसकी अगर मैं लंबाई की बात कर लेता हूँ, 2880 किलोमीटर है जी इसकी टोटल लंबाई। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 2880। और अगर मैं बात कर लेता हूँ कि इंडिया में इसकी लंबाई कितनी है, तब आपका क्या आंसर रहेगा जी? 710 किलोमीटर जो है वो इंडिया में इसकी लंबाई है। इंडस के बाद फिर क्या आ जाती है? इंडस के बाद फिर हम पढ़ लेते हैं जी झेलम। कई बार पूछ लेता है कि झेलम नदी का जो है वो उद्गम स्थान कौन सा है? तो झेलम नदी है जी वेरीनाग से, वेरीनाग, वेरीनाग से, ठीक है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है? वेरीनाग से निकलती है। और इसकी लंबाई कितनी है जी? लगभग 720 किलोमीटर है, ठीक है। झेलम के बाद क्या आता है जी? झेलम के बाद आता है चेनाब। झेलम के बाद क्या आता है जी? चेनाब आता है। चेनाब आता है जी बारालाचा पास से, बारालाचा पास से जो है वो चेनाब नदी निकलती है। और आप इसकी लंबाई देखना कितनी है जी? 1800, 1180
80 किलोमीटर है इसकी लंबाई, और ये सबसे लंबी नदी है जी इन पांचों नदियों में से। वैसे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडस नदी है, बट अगर मैं बात करता हूँ कि इंडिया की भी, ठीक है, तो सॉरी इंडिया की नहीं, मतलब इन पांच नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज में से सबसे लंबी नदी कौन सी है जी? ये है जी चिनाब नदी। ठीक है, चिनाब नदी जो है ये क्या है, सिंधु नदी की सबसे लंबी एक सहायक नदी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। 12 लच्चा पास से ये निकलती है, 1180 किलोमीटर ये लंबी है। उसके बाद क्या आता है, ये याद रखना है जी कि सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब है। ठीक है, चलिए तो हम रावी के बारे में बात करेंगे। जो रावी नदी है ये कहाँ से जो है वो निकलती है? रावी निकलती है जी रोहतांग पास से। रोहतांग पास से जो है ये ओरिजिनेट होती है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग जो है वो 725 किलोमीटर ये लंबी है। उसके बाद क्या आ जाते हैं जी, उसके बाद आ जाते रावी व्यास। व्यास भी कहाँ से निकलती है? रोहतांग पास की, रोहतांग पास के से ही निकलती है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो लगभग कितनी है जी, 460 किलोमीटर ये इसकी लेंथ है। और मैं अब लास्ट की बात करता हूँ जी, इसमें ये है जी अपनी सतलुज नदी। सतलुज जो नदी है ये कहाँ से निकलती है जी? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से ये निकलती है। ठीक है, तो ये पांच नदियाँ थी जी जो किसकी हैं, सिंधु नदी की ही आगे सहायक नदियाँ ये हैं, इम्पोर्टेंट पांच हैं। ठीक है, जो इंडिया की तरफ से हैं, और भी हैं, ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी हैं, राइट बैंक भी कुछ और भी हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जो है इसमें आकर के मिलती है। बट यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और रह जाता है कि सिंधु नदी समझौता जो है वो कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है, सिंधु नदी समझौता। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है जी, सिंधु नदी समझौता कब हुआ था? ये 19 सितंबर को हुआ था जी, 1960 में। ये किसके ऊपर था जी? ये सिंधु नदी के पानी के ऊपर जो है ये समझौता था। और किस किस के बीच में था ये? ये था जी इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये थे जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूरे के पूरे इन पाँच नदियों के बारे में। ठीक है, दोबारा से चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो इसमें पहले का जो ये जो पहला है इसका राइट आंसर क्या था जी? सतलुज था। अब दूसरा है कि जो करनाल सिटी में, ठीक है, एक चर्च टावर है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी? 100 फिट है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा जी? 100 फिट है। करनाल में क्या क्या है? करनाल में एक कर्ण लेक है जी, कर्ण झील है। कर्ण झील कहाँ पे है जी? आपसे पूछ लेता है कोई तो आंसर क्या रहेगा जी? करनाल है। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं कि करनाल में जो है वो 1739 में एक युद्ध हुआ था, जिसको क्या बोलते हैं? करनाल का युद्ध जिसको हम बोलते हैं। किस किस के बीच में हुआ था? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? नादिर शाह और किसके बीच में? एंड मोहम्मद शाह। नादिर शाह और किसके बीच में था जी? मोहम्मद शाह के बीच में ये युद्ध था। कब हुआ था जी? 1739 को ये हुआ था। अब जो करनाल है इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, इसमें ना कई संस्थान हैं, उनकी जो है वो स्थापना पूछ लेता, बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जैसे कि NDRI, नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो है वो कब हुई थी? वो करनाल में ही है जी, 1955 में हुई थी। 1955 के बाद क्या आता है जी? 1969। 1955 के बाद क्या आता है? 1969। और इसमें किसकी जो है वो स्थापना हुई थी? इसमें हुई थी जी केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी जी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या आता है जी? गेहूं का आता है, गेहूं अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी जी? इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। सबसे पहले 1955, दूसरा 1969, तीसरा 1978। इसमें दो और रह चुके हैं जी, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे। वो क्या है? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, इसकी स्थापना भी कब हुई थी जी?
इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, और एक फिर 1985 में हुई थी जी, वो भी यही है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो। वो क्या है जी? राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो, ये अलग अलग नाम है जी इसके। इसकी कब हुई थी जी? 1985 में, और इससे पहले हुई थी 1984 में अनुवांशिकी संस्थान की। सबसे पहले किसकी हुई थी जी? 1955 में NDRI की। उसके बाद फिर कौन आया था जी? 1969 में आया था एक मिट्टी लवणता का। गेहूं का कब आया था जी? 1978 में। ठीक है, तो ये पांच थे जी। ठीक है, ये थे करनाल में। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या आ जाता है जी? व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैगजीन पब्लिश बाय हरियाणा साहित्य अकादमी? जो हरियाणा साहित्य अकादमी है उसके द्वारा जो कौन सी मैगजीन है वो पब्लिश की जाती है जी? हरिगंधा। कौन सी की जाती है जी? हरिगंधा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हरियाणा साहित्य अकादमी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, इसकी स्थापना जो है, इसका गठन कब हुआ था? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? 9 जुलाई 1970 को जो है इसका गठन हुआ था। उसके बाद है कि पुलिस रेंज, साउथ पुलिस रेंज के अंडर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं? ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि साउथ रेंज है कौन सी। साउथ रेंज है जी रेवाड़ी रेंज, रेवाड़ी रेंज। ठीक है, इस रेवाड़ी रेंज के अंदर कौन कौन से जो है वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसके अंदर आता है जी महेंद्रगढ़। कौन सा आता है जी? महेंद्रगढ़ आता है। उसके बाद फिर कौन सा आता है? रेवाड़ी तो है ही, रेवाड़ी रेंज है। उसके बाद कौन सा आता है जी? पलवल आता है। और उसके बाद फिर कौन सा आता है? नू आता है। तो अब आप इसमें क्वेश्चन में देखोगे, महेंद्रगढ़ भी है, रेवाड़ी भी है और नू भी है, तो इसका मतलब आंसर क्या रहेगा जी? ऑल ऑफ द अबो। ठीक है, तो साउथ पुलिस रेंज कौन सी है? रेवाड़ी रेंज को साउथ पुलिस रेंज बोलते हैं। इसमें कौन सा आता है जी? ये चार डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें आते हैं। अब अपने पास टोटल पुलिस रेंज कितनी है, एक बार इसको मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, टोटल पुलिस रेंज जो है वो हरियाणा में कितनी है? ये है जी पांच। एक तो मैंने आपको बता दी रेवाड़ी है। ठीक है, रेवाड़ी में जो है वो चार जिले आपको पढ़ाए हैं, महेंद्रगढ़ पढ़ाया है, उसके बाद रेवाड़ी तो था ही, पलवल पढ़ाया है और नू पढ़ाया है। ठीक है, एक तो ये हो चुका है जी अपनी रेवाड़ी रेंज। अब मैं बात करता हूँ जी सेकंड रेंज की, कि सेकंड पुलिस रेंज कहाँ। सबसे ऊपर से हम चलेंगे अम्बाड़ा से। अम्बाड़ा रेंज से अगर मैं बात करता हूँ कि अम्बाड़ा रेंज में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? एक तो अम्बाड़ा है ही, दूसरा क्या जाता है जी? यमुनानगर, और तीसरा क्या जाता है जी? कुरुक्षेत्र। फिर हम बात करते हैं जी थर्ड रेंज के बारे में। अम्बाड़ा से नीचे आ जाता है जी करनाल। इस करनाल रेंज में कौन कौन से आते हैं जी? करनाल तो है ही, साथ में क्या आ जाता है जी? पानीपत आ जाता है, और साथ में फिर क्या जाता है जी? कैथल आ जाता है। करनाल, पानीपत और कैथल, कौन सी रेंज में? करनाल रेंज में। इससे हम थोड़े से नीचे आते हैं जी, सौरभ कर देते हैं। करनाल रेंज के बाद क्या आता है जी? रोहतक रेंज। रोहतक में कौन कौन से आएंगे? रोहतक तो है ही, उसके बाद आता है जी चरखी दादरी आता है इसमें, उसके बाद क्या आता है? सोनीपत भी आता है। सोनीपत के साथ साथ क्या आता है? भिवानी आता है, और इसके साथ में लगता हुआ क्या है जी? एक झज्जर है, झज्जर आता है। तो कौन कौन से हैं? रोहतक है, चरखी दादरी, झज्जर, भिवानी और सोनीपत है। ठीक है, अब अपने पास एक लास्ट रेंज रह चुकी है जी, इसको हम क्या बोलते हैं जी? हिसार रेंज। हिसार रेंज में कौन कौन से आते हैं? हिसार तो है ही, साथ में है हंसी, उसके बाद क्या है जी? फतेहाबाद। हंसी में जो है मुख्यालय है, ठीक है, फतेहाबाद है, उसके बाद क्या है? सिरसा है, और एक लास्ट रह चुका है जी अपना जींद जिला। तो ये पांच हैं जी, कौन कौन सी बताई हैं? अम्बाला, करनाल, रोहतक और नीचे रेवाड़ी, और साइड में क्या आ गया जी? वहाँ पे हिसार आ गया। ठीक है, तो ये पांच पुलिस रेंज थी जी हरियाणा में, तीन पुलिस कमिश्नरी हैं। उसके बाद क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये रहा कि इसमें से किस स्टेट ने 2016 का बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड जीता है? तो ये हम बात कर रहे हैं, हरियाणा की क्विज है, तो जाहिर सी बात है किसने जीता होगा? हरियाणा ने ही जीता होगा 2016 में बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड। अगर मैं बात कर लेता हूँ जी 2019 की, 2019 में बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट अवार्ड जो है वो किसने जीता है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा जी? मिजोरम रहेगा। और 2019 का बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड,
कौन सा है जी? बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड, ये किसको मिला है? तो आपका आंसर ये क्या रहेगा जी, बिहार को ये मिला है। उसके बाद है एक योजना है महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना, इसमें जो है वो प्लॉट बंटते हैं, तो किन किन को जो है ये एलिजिबल है, किन किन को ये मिल सकते हैं? सबसे पहले आपको बता दूँ, ये जो प्लॉट रहते हैं ये लगभग जो है वो 100 यार्ड के रहते हैं, ठीक है, किसके रहते हैं? 100 स्क्वायर यार्ड के जो है ये प्लॉट रहते हैं। और ये किस किस को मिलते हैं? ये मिलते हैं जी बीसी को भी मिलते हैं, बीपीएल फैमिली को, और शेड्यूल्ड कास्ट को भी ये मिलते हैं। इसका मतलब अपना राइट आंसर क्या रहेगा जी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है, ऑल ऑफ दीज, महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत इन सभी को 100 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो महात्मा गांधी, इसका मतलब 2 अक्टूबर तो था ही, ठीक है, और इसके साथ साथ सन कौन सा था जी? तब आपका आंसर क्या आएगा जी, 2008, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, यहाँ तक हो चुका है ये। चलिए फिर आता है महम डियर पार्क, डियर पार्क जो है महम का हिरण पार्क जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो अब आप ये बताओ कि महम है कहाँ? महम है जी आपके रोहतक में, महम कहाँ है जी? रोहतक में, और इसमें तो रोहतक कहीं है ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा जी, नन ऑफ दीज। अगर मैं बात कर लेता हूँ रोहतक की, ठीक है, तो ये जो रोहतक में ये पार्क था ये कब इसका गठन हुआ था, कब एस्टेब्लिश किया गया था जी? ये किया जाता है 1970 1971 में, इसमें ये किया गया था। एक रोहतक में एक झील पूछ लेता है जी कई बार, बड़ी इंपॉर्टेंट झील है तिलियार झील, कहाँ पे है जी? ये रोहतक में है। अच्छा, इसमें 3-4 मस्जिदें हैं, आपको मैं याद करा दूँ, शीशे दी काजी ऐसे याद करता हूँ मैं, शीशे शीशे वाली मस्जिद, दी का मतलब दीनी मस्जिद, काजी का मतलब है काजी मस्जिद, और एक रह चुके हैं जी अपने पास लाल मस्जिद। गुरुद्वारे भी हैं जी, गुरुद्वारा लाखन माजरा, गुरुद्वारा लाखन माजरा, और दूसरा कौन सा है जी, एक है गुरु कर्ण तालाब है, गुरु कर्ण तालाब भी जो है वो कहाँ पे है? वो रोहतक में है। अच्छा, एक यूनिवर्सिटी है जी, यूनिवर्सिटी का नाम क्या है जी? महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, MDU। MDU कहाँ पे है जी? रोहतक में है, और कब स्थापना हुई थी इसकी? 1976 में इसकी स्थापना हो चुकी है, ठीक है। तो ये था जी आंसर, इसका आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतेश्वर मंदिर जींद में किस और दूसरे नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर क्या रहेगा जी, रानी तालाब, रानी तालाब से जो है ये मंदिर जाना जाता है। जींद में और क्या क्या चीजें हैं? जींद में एक है जी पांडू पिटारा, क्या है जी, पांडू पिटारा। दूसरा क्या है जी, प्राची तीर्थ भी आपने सुने होंगे, वो कहाँ पे हैं? वो भी जींद में है। ओके, एक कॉम्प्लेक्स है जी हरियाणा स्टेट टूरिज्म का, नाम क्या है जी, बुलबुल, बुलबुल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है जी? ये भी आपके कहाँ मिलेगा जी, जींद जिले में ही मिलेगा। उसके बाद आ जाता है कि योगेश्वर दत्त किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को पता है जी रेसलिंग से, बट इससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था जी सोनीपत के गोहाना में, सोनीपत के गोहाना जिले में जो है इनका जन्म हुआ था। और जो कुश्ती है ये हरियाणा का राजकीय खेल है, राजकीय खेल है जी ये कुश्ती। अगर मैं थोड़ा सा स्पोर्ट्स की बात कर लेता हूँ, तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे है, कौन सा जी, राजीव गांधी एरो स्पोर्ट्स सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ पे है? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, नारनौल जिले में है, कहाँ पे है जी, नारनौल जिले में। उसके बाद आ जाता है कि एक ना व्यक्ति है लीला राम सांगवान, ये थे, ये इन्होंने क्या किया था, 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है, ये पहले स्वर्ण पदक जीता थे 1958 के राष्ट्रमंडल खेलों में। ये किससे जुड़े हुए थे? तो हम बात कर रहे हैं जी कुश्ती से, तो ये किससे जुड़े हुए थे जी, कुश्ती से ये जुड़े हुए थे। एक लास्ट क्वेश्चन है कि ब्लैक सोयल इनमें से जो काली मिट्टी है किसके लिए बेस्ट होती है? तो आपका आंसर क्या आएगा जी, कॉटन के लिए ये बेस्ट होती है। किसके लिए बेस्ट होती है जी, ये कॉटन के लिए बेस्ट होती है। अब
मैं बात कर लेता हूँ कि ये ब्लैक सोयल जो है वो इंडिया में किस किस जगह पे मोस्टली मिलेगी। तो एक तो मिलेगी जी आपको मध्य प्रदेश में, दूसरी आपको कहाँ मिलेगी जी, महाराष्ट्र में, और कुछ पार्ट जो है वो गुजरात का भी रहता है, गुजरात में भी आपको ये मिलने देखने को मिलेगी। अच्छा, और साथ साथ में कर्नाटक, और एक लास्ट जो राज्य रह चुका है जी अपना वो क्या है जी, तेलंगाना। तेलंगाना के भी कुछ हिस्से में आपको देखने को मिलेगी। इम्पोर्टेंट क्या है जी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, कर्नाटक का कुछ हिस्सा और तेलंगाना का कुछ हिस्सा। इसमें क्या मिलती है जी, इसमें मिलती है अपने को काली मिट्टी। क्या मिलती है जी, काली मिट्टी इसमें अपने को देखने को मिलती है। तो ये थी जी आज की अपनी वीडियो, ठीक है। ऐसे ही हर एक वीडियो जो है वो बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन तो हम करेंगे ही साथ में, और इससे रिलेटेड जो 5-10 क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन में वो हम खुद ब खुद तैयार करेंगे। तो एक 10 क्वेश्चन के साथ साथ अगर मैं बात कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसके साथ साथ मैं हर एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ। इसका मतलब अगर आप 10 क्वेश्चन पढ़ोगे तो यहाँ से आप लगभग 30-40 क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करके जाओगे, ठीक है। तो एक वीडियो में लगभग 30-40 क्वेश्चन हम बड़े इंपॉर्टेंट जो है वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।